नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। भारी बारिश के बाद नेपाल से लेकर बिहार तक हालात बेहद खराब है। किस तरह से यहां पर जो लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है, नेपाल में कितने बदतर हालात हो गए, ये आपको सबसे पहले बताते हैं। नेपाल में बाढ़ बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल में बाढ़ से 170 लोगों की मौत की खबर है। 322 घरों को नुकसान पहुंचा है। 16 पुल टूट गए हैं। मकवानपुर में 6 फुटबॉल खिलाड़ियों की मौत की खबर आ रही है। लैंडस्लाइड से 12 नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। यह हालात इस वक्त नेपाल के हैं। तो नेपाल में बारिश के कारण लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। यह देखिए आप, काठमांडू में ताश के पत्ते की तरह ढह गई कई इमारतें। काठमांडू के नेपाल की राजधानी की तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर यह पूरा जो रिहायशी इलाका है जो कि पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, ये लैंडस्लाइड की जद में आ गया। और कई जो मकान और घर आपको पहाड़ में नजर आ रहे हैं वो किस तरह से लैंडस्लाइड की जद में आकर तबाह हो गए, भारी नुकसान पहुंचा है। और ये तो एक जगह की तस्वीर है, कमोबेश पूरे नेपाल में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। तो नेपाल में बाढ़ और बारिश के बाद कोहराम मचा हुआ है। बाढ़ के तेज बहाव में बह गया लोहे का भारी भरकम पुल। ये देखिए एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, रक्सौल नेपाल की तस्वीर है, जहां पर लोहे का पुल बह गया। इस कदर भयावह हालात है बाढ़ और बारिश को लेकर नेपाल में। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हालात बयां कर रही है कि इस वक्त नेपाल पर किस तरह से त्रासदी आई हुई है। नेपाल में बाढ़ और बारिश के बाद कोहराम मचा हुआ है। बाढ़ के तेज बहाव में लोहे का पुल बह गया। इसके अलावा आप देखिए एक और रक्सौल की तस्वीर है, नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से दर्जन भर से ज्यादा मार्ग बंद है। सरकार की ओर से राहत और बचाव का कार्य जारी है। और ये देखिए पहाड़ों से मलबा बहता हुआ नीचे बह रहा है और जो गाड़ी है वो इसमें फंसी हुई है। नेपाल में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से अभी तक की खबर यह है कि 170 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये देखिए किस तरह से काठमांडू में ये जो पुल है वो बह गया, तेज सैलाब में ये पुल बह गया। और इससे आप समझ सकते हैं कि नेपाल के ऐसे बहुत इलाके हैं जिनका संपर्क इस वक्त टूट चुका है। और ये देखिए काठमांडू की तस्वीर आपको दिखा रहे राजधानी की, जहां पर यह पुल जो बना हुआ था वो इस बाढ़ के तेज बहाव में, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये जो सैलाब बहता हुआ नजर आ रहा है, ये जो मलबा बहता हुआ नजर आ रहा है, इसमें ये पुल धराशायी हो गया और पानी के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक 170 लोगों की मौत हो गई है। अब एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, धादिंग की तस्वीर है, ये आप देखिए नेपाल में भारी बारिश के बाद राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। धादिंग में जो लापता लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो लापता है, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है, रेस्क्यू टीम को लगाया गया है। ये तस्वीर इस वक्त नेपाल के धादिंग की इस वक्त आपके सामने। तो नेपाल पर इस वक्त आसमानी आफत बरस रही है। क्या हो रहा है और किस कदर वहां पर तबाही नजर आ रही है, आपको बताते हैं पूरी जानकारी। 45 साल में सबसे विनाशकारी बाढ़ है जो कि इस वक्त नेपाल में आई हुई है। बाढ़ से अभी तक 170 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इसके अलावा जानकारी है कि अकेले काठमांडू की बात करें तो काठमांडू में अभी तक 43 लोगों की मौत की खबर है। मकवानपुर में 6 फुटबॉल खिलाड़ियों की मौत की जानकारी है। बाढ़ से 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। 55 लोग अभी भी लापता हैं, यानी कि यह कहा जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ भी सकता है। 322 मकान गिर गए हैं, 16 पुल टूट गए हैं जो बह गए हैं सैलाब में। राहत बचाव में 20,000 सुरक्षा कर्मी इस वक्त झोंक दिए गए हैं।
खौफनाक मंजर नेपाल में आई बाढ़ की कहानी बयां कर रहा है। भारी भरकम लोहे का बना पुल ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गया। ये वीडियो नेपाल के सिंधुपाल चौक से आया है, जहां पानी की तेज रफ्तार में भारी भरकम बैली ब्रिज बह गया, जबकि चारों तरफ सैलाब की नदी बहती नजर आ रही है। अब देखिए, दो मंजिला ये मकान इस पानी में सिर्फ 6 सेकंड के अंदर समा गया। ये वीडियो नेपाल के सिंधुली से आया है। यहाँ पानी ने इतना तेज कटान किया कि ये विशालकाय घर नदी में समा गया। ये वीडियो नेपाल में काठमांडू मार्ग पर नारायण घाट इलाके से आया है। यहाँ अचानक पहाड़ से पानी की तेज धार नीचे की तरफ आई और ये गाड़ी पानी में बह गई। ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। नेपाल में पहले बारिश ने कहर मचाया, फिर जगह जगह लैंडस्लाइड से जमीन थर्राई, फिर घरों और पुलों के ढहने का सिलसिला शुरू हो गया। नेपाल में भीषण बारिश के बाद हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन नेपाल से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरों के आने का सिलसिला अब भी जारी है। अब नेपाल से आई इस वीडियो को देखिए। पहाड़ के ऊपर हलचल हुई, इसके बाद जमीन ने दरकना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे जमीन का बड़ा हिस्सा रेंगते हुए नीचे आने लगा। इसके बाद चारों तरफ शोर मच गया। मलबे के बड़े हिस्से ने नीचे बने घरों को अपने आगोश में ले लिया। इन तस्वीरों को देखकर लग ही नहीं रहा कि यह नेपाल का एक बड़ा शहर है। ऐसा लग रहा है मानो शहर के बीचों बीच बड़ी नदी बह रही हो। चारों तरफ पानी ही पानी है। ये नेपाल में काठमांडू शहर के अंदर की तस्वीर है। यहाँ हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और तो और काठमांडू शहर के अंदर तक नाव चल रही है। अब ये देखिए, ये नेपाल का कोसी बैराज है। यहाँ बने पुल पर पानी की तेज रफ्तार के बीच हड़कंप मच गया। लोग इधर से उधर भागते नजर आए। पानी के रौद्र रूप का डर इन लोगों में साफ देखा जा सकता है। दावा किया जा रहा है कि कोसी बराज के 56 के 56 फाटक खोल दिए गए हैं, जिसे बाढ़ के और भी प्रलयकारी रूप लेने का खतरा बढ़ गया है। सच्चाई ये है कि नेपाल इन दिनों करहा रहा है। नेपाल तड़प रहा है, क्योंकि नेपाल में जल संहार हो रहा है। साल 2008 के बाद नेपाल सबसे खौफनाक बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। नेपाल के कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ इतनी अचानक आई कि लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला। घरों का सोफा, अलमारी, सब कुछ पानी के साथ बह गया। तेज रफ्तार पानी के साथ घर में मौजूद कई लोग भी बह गए, जिनकी तलाश तेज हो गई। नेपाल में भीषण बाढ़ से अब तक 135 लोगों की मौत। नेपाल में अब तक 1200 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। नेपाल में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिए गए हैं। नेपाल में कोसी बराज से 6.5 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। 1968 के बाद से नेपाल से सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि बिहार के कई जिलों में भीषण बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है।